मंदसौर में राम मंदिर शिलान्यास के बाद निकाली गई ध्वज यात्रा में एक हादसा हो गया, जिसमें ध्वज के बिजली के तारों से टकरा जाने के कारण एक युवक की जान चली गई। नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने पीड़ितों को उचित मदद का भरोसा दिलवाया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 5 अगस्त को राम मंदिर शिलान्यास की खुशी में मंदसौर के ग्राम बड़ौद में युवाओं ने ध्वज यात्रा निकाली, तभी एक युवक का झंडा बिजली के तारों से टकरा गया और शांतिलाल नामक युवक की मौत हो गई। इस घटना में 2 युवकों को करंट लगा था। घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें मृतक का ध्वज झूलते तारों से टकरा गया है और करंट लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। प्रदेश के नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग बड़ौद गांव पहुंचे और हादसे में जान गंवाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता शांतिलाल धनगर की शव यात्रा में शामिल हुए और शोकग्रस्त परिवार को ढांढस बधाया। ग्रामीण ने मंत्री डंग से कहा कि आप शासन स्तर पर परिवार की हर संभव मदद जल्द से जल्द करवाइए। वहीं मंत्री डंग ने कहा मध्य प्रदेश सरकार पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देगी। मंत्री हरदीप सिंह डंग ने युवक की मौत का कारण बने 11 केवी के झूलते हुए विद्युत तारों को भी मौके पर पहुंचकर देखा और अधिकारियों को उन्हें ठीक करने के लिए निर्देशित किया। जो आप बोल रहे हैं मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। आज ही होना चाहिए, जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा, जितना अच्छा हो सकता है। कोई यहाँ राजनीति तो करने आएंगे, यहाँ पर अपन परिवार के बैठे, ना कोई तेरी ना मेरी ना कुछ भी नहीं, ये राष्ट्र का लाल गया है, अपना परिवार का एक सदस्य है। जितनी मजबूती से जितनी जल्दी जितना अच्छा ज़्यादा ज़्यादा राशि मिलेगी, मेरे को भी खुशी होगी और आपको भी होगी कि परिवार को सहायता मिले। इसलिए आज जो दुख है उसका तो देखो राशि से यह दुख भर नहीं सकता, पर आज परिवार को सहायता मिलेगी तो सबको कहीं ना कहीं इसका एहसास होगा कि परिवार को सहायता मिली। मैं श्री चरणों में ऐसी महान आत्मा जो गई है उसके श्री चरणों में अपना प्रणाम करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अपने चरणों में स्थान प्रदान करें और धनगर गायरी समाज सहित पूरे क्षेत्र में जिसको ये आघात चोट पहुंची है, जो दुख हुआ है, ईश्वर उन्हें सहन करने की शक्ति दे। और मंत्री तो हरदीप सिंह डंग अलग है, पर हरदीप सिंह डंग सदैव आपके बीच में एक भाई के रूप में हमेशा विराजित है। पूरी लड़ाई जो ये मेरी गारंटी है कि अब यह जितना गर्म तुम्हारा दिमाग क्या रहता है, इसका 4 गुना मेरा ज्यादा रहता है, तो भिड़न तो मेरे को करना आती, कैसे भिड़ जाता हूँ। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।